स्टडी हेल्थ विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हम आज क्लियर करेंगे तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल पैनल होता क्या है अ कंट्रोल पैनल इज़ अ पावरफुल टूल कस्टमाइज यूर कंप्यूटर कंट्रोल पैनल क्या होता है एक ऐसा पावरफुल टूल होता है जिससे आप क्या कर सकते हो अपने कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर सिस्टम को कस्टमाइज़ कर सकते हो इट इज़ द प्लेस टू गो टू इंस्टॉल द न्यू हार्डवेयर इसी प्लेस पर जाकर आप क्या कर सकते हो अगर आपने कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना है तब आपको इस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐड या रिमूव करना है तब आपको इस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा या अपनी स्क्रीनिंग की जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तब भी आपको कहा जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पर कंट्रोल पैनल क्या है अ कंट्रोल पैनल इज़ द ग्रुप ऑफ आइकन्स कंट्रोल पैनल क्या है ग्रुप है आइकन्स का विच विल बी सिलेक्टेड इन वॉक द एप्लीकेशन विच अलो यू टू चेंज द सेटिंग ऑफ द वेरियस डिवाइस जिससे आप क्या कर सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो भी हमारे पास डिवाइसेस अटैच्ड हैं अगर हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक like, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं देन कमेंट करें उनके अंदर हमें कुछ भी चेंज करना है चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हो कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो या कुछ भी डिस्प्ले से रिलेटेड हो तो आप, आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में आपको जाना पड़ेगा तो हम स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कौन से हमारे पास फ़ीचर्स अवेलेबल हैं नोट में देखते हैं कि हम कंट्रोल पैनल का यूज़ क्यों करते हैं अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम को ऐड या रिमूव करना है कंप्यूटर सिस्टम से तब भी मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल का किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को मुझे ऐड या रिमूव करना तब भी मुझे कहाँ जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरियस डिवाइसेस किसी भी वेरियस डिवाइसेस की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए जैसे प्रिंटर हो गया मॉडर्म हो गया कीबोर्ड माउस एसेकट्रा इनके फीचर्स प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करने के लिए सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कंट्रोल पैनल पर जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ मैनेज द डिफरेंट यूजर सेटिंग्स डिफरेंट यूजर सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है कंट्रोल पैनल पर जाना पड़ेगा सेट द डेट एंड टाइम अगर डेट एंड टाइम को सेट करना है तब भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पर द कंट्रोल पैनल हैव अ टू डिफरेंट व्यूज कंट्रोल पैनल के हमारे पास टू टाइप्स के डिफरेंट व्यूज होते हैं फर्स्ट है क्लासिक एंड सेकेंड है कैटेगरी क्लासिक व्यू में हमारे पास क्या होता है इट रिप्रजेंट द कंट्रोल पैनल विंडो इन स्टाइल अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करके रखोगे तो आपके पास कंट्रोल पैनल की जो विंडो है वो कैसी शो होगी क्लासिक विंडो स्टाइल में अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो क्या होगा वो कैटेगरीज में डिफाइन हो जाएगा अलग अलग डिफाइन हो जाएगी हमारे पास कैटेगरीज तो इसका मतलब क्या है क्लासिक व्यू क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोग्राम्स हैं वो या तो वो अल्फाबेटिकली सोर्टेड है या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्टेड है मतलब कुछ ऐसा कैटेगरी नहीं है कि ये हार्डवेयर के लिए यही यूज़ होगा ये सॉफ्टवेयर के लिए ही यूज़ होगा लेकिन अगर हम कैटेगरी व्यू को ओपन कर देंगे कैटेगरी व्यू पे अगर हम क्लिक कर, कर रखेंगे तब क्या होगा कैटगरीज डिवाइड हो जाएंगी कि ये पर्टिकुलर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो किसके लिए यूज़ हो रहे हैं हार्डवेयर के लिए ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ हो रहे हैं ये डिस्प्ले सेटिंग के लिए हैं तो कैटेगरीज डिवाइड हो जाएंगी तो हमारे पास ये दो व्यूज़ हैं कंट्रोल पैनल के लिए बाई डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है हमारे पास क्लासिक व्यू तो जे कंट्रोल पैनल को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे कैसे स्टार्ट करना है कंट्रोल पैनल सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर जाना पड़ेगा स्टार्ट बटन के बाद हम कहाँ जाएंगे डायरेक्टली कंट्रोल पैनल के आइकन पर जैसे हम कंट्रोल पैनल आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे विंडो हमारे पास शो होगी विंडो में हमारे पास क्या है कंट्रोल पैनल की विंडो है यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल में कैटेगरीज दिखेंगी कि स्विच टू कैटेगरीज व्यू या स्विच टू क्लासिक व्यू अभी ये क्लासिक व्यू में है बाय डिफॉल्ट क्लासिक व्यू में ही रहता है अगर आप इसको कैटेगरी वाइज डिवाइस करना चाहते हो तो आप डिवाइड कर सकते हो नेक्स्ट ये ऑप्शन से हमारे पास विंडो अपडेट करना हो या हेल्प है, एंड स्पोर्ट का ऑप्शन है ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड थिंग्स को जैसे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है हार्डवेयर है एड एंड रिमूव प्रोग्राम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है एडोप गेम है एंड ऑटोमेटिक अपडेट डेट एंड टाइम डिस्प्ले फोल्डर ऑप्शन फोन गेम कंट्रोलर इंटरनेट ऑप्शन जावा कीबोर्ड मेल माउस नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्क सेटअप विजार्ड फ़ोन एंड मोडम पावर ऑप्शन ये जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं इनको हम वन बाय वन रीड करेंगे तो हम फर्स्टली क्या रीड करने जा रहे हैं हम रीड करेंगे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एड हार्डवेयर अगर मुझे अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई न्यू हार्डवेयर अटैच करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इट इज़ पॉसिबल टू ऐड द न्यू फिजिकल कॉम्पोनेंट ओवर कंप्यूटर लाइक द मॉडर्म और अ न्यू मोनीटर एन अ प्रिंटर मतलब किसी भी नए हार्डवेयर को अटैच करना है चाहे वो नए आपकी मॉनिटर हो या कोई मॉडर्म हो या कोई प्रिंटर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा ये पॉसिबल है कंप्यूटर सिस्टम में कि आप नया हार्डवेयर अटैच कर सकते हो फॉर द न्यू कंपोनेंट वर्क किसी भी नए कंपोनेंट पर काम करने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू डिटेक्ट इट तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या करेगा उसको डिटेक्ट करने की नीड होगी कि क्या ये एक्सेसिबल है इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ क्या इसके अंदर जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता ये इसके लिए कंपेटेबल है या नहीं है तो वो सब चीज़ें कौन चेक करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली मैनी ऑफ द कंपोनेंट डेट आर इंस्टॉल जब हम करंटली कुछ भी इंस्टॉल करते हैं कंपोनेंट को तो वो क्या होता है डायरेक्टली प्लग एंड प्ले की टेक्नोलॉजी होती है मतलब अब जो हम इंस्टॉल करते हैं जो नए हार्डवेयर आ रहे हैं या नए हमारे पास जनरेशन आ रही हैं कंप्यूटर सिस्टम की उसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हमने प्लग किया एंड प्ले किया उसके लिए हमें कोई इतना ज़्यादा सेटिंग करने की नीड नहीं पड़ती लेकिन विंडोज एक्स में हमें सेटिंग करने की नीड पड़ती थी वेन अ न्यू हार्डवेयर इज इंस्टॉल जब हम किसी भी नए हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं द कंप्यूटर नीड्स द फाइल डैट डिस्क्राइब द हार्डवेयर एंड अलो द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट इट तो हमें क्या पड़ता है एक ड्राइवर की नीड पड़ती है उस पर्टिकुलर नए हार्डवेयर को चलाने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम पर दीज फाइल्स आर नोन एज अ ड्राइवर इन फाइल्स को हम क्या कहते हैं एज अ ड्राइवर कहते हैं वेन वाई अ मोडम जब हमने कोई एक नया मॉडम लिया फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम हमने एक नया मॉडम लिया फॉर एग्जाम्पल अ सी डी इज इंक्लूड द कंटेन द ड्राइवर फॉर द मॉडम तो उस मॉडम के ड्राइवर के लिए हमारे पास क्या एक सी डी आई है मॉडम के साथ ही वेन द इंस्टॉलिंग द मोडम जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं मोडम को तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें यह बताना पड़ेगा कि इसका ड्राइवर कौन है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा जो उसके साथ हमें सी डी मिली है इसको हम सी डी प्लेयर में लगाएंगे जिससे हम उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज एक्स पी इज ऑलरेडी हैव द ड्राइवर्स विंडो एक्सपी में क्या होता है ड्राइवर होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इक्वमेंट्स होते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए जैसे हम प्रिंटर है प्रिंटर को अगर हमने यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से मॉडम होगा जैसे कीबोर्ड है माउस है सीपीयू है ये भी सब तो क्या है ये भी तो हार्डवेयर है इनके लिए प्री प्रीडिपेंडेड मतलब पहले से ही इन बिल्ट ड्राइवर्स होते हैं लेकिन जो हम एक्स्ट्रा हार्डवेयर है उन्हें अटैच करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा उनका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा इन द एडिशन विंडो एक्स पी आर द न्यू कंपेटेबल ऑफ गोइंग द ऑनलाइन सर्च फॉर द ड्राइव अपडेट्स थ्रो द विंडोज अपडेट मैन वी वॉन्ट टू एड द न्यू हार्डवेयर ऑन द कम्प्यूटर सिस्टम और मोनिटर फॉर एग्जाम्पल टू थिंग्स एंड दैपन तो हमारे पास क्या होगा जैसे हम नए मॉडल को या मोनिटर को अटैच करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा दो थिंग्स करनी पड़ेगी हमें एदर द कंपोनेंट इज प्लग एंड प्ले और नॉट मतलब कि हमारा कंपोनेंट कैसा है कि हम उसको प्लग करके डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं ऐसा है या हमें उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी ऐसा है तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास प्लग एंड प्ले और नोट सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अगर वो प्लग एंड प्ले वाला डिवाइस है तो हमें क्या करना पड़ेगा सिंपल अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करो कनेक्ट कर दो या इंस्टॉल कर दो उस पर्टिकुलर डिवाइस को जिसको आप करना चाहते हो अटैच करना चाहते हो देन आपको क्या करना है सिंपली टर्न ऑन करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम को विंडो विल लोकेट इन यूर हार्डवेयर ऑटोमेटिकली एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फॉर दैट मतलब अब विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा अपने आप उसको अटैच करेगा जितनी भी सेटिंग करनी होगी अपने आप ही उसको सेट करके दे देगा देन वो क्या कर देगा उसके लिए पर्टिकुलर अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो उसको भी इंस्टॉल कर देगा अब नेक्स्ट के ऑप्शन है हमारे पास अगर वो प्लग एंड प्ले वाला डिवाइस नहीं है तब हमें क्या करना पड़ेगा हम सबसे पहले क्या करेंगे अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे इंस्टॉल करना है जिस भी डिवाइस को उसको अटैच करेंगे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को टर्न ऑन करो देन ये होता है हमारा स्टेप फोर कि जिसके अंदर हमें सेटिंग करनी पड़ती है सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टार्ट बटन पर जाओ कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा एड अ न्यू हार्डवेयर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगी एक विजार्ड ओपन हो जाएगी जस्ट आपको उस पर क्या करना है नेक्स्ट क्लिक करना है वैसे ही हमने हार्डवेयर को अटैच करने के लिए एड न्यू हार्डवेयर पर क्लिक किया तो हमारे पास से एक विंडो ओपन होगी एड हार्डवेयर विजार्ड जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है जिससे आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहना है वो इंस्टॉल कर देगा अपने आप ही उस ड्राइवर को पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए न्यू हार्डवेयर विज आर गाइड्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडिंग द न्यू हार्डवेयर टू द सिस्टम दिसोमैटिकलीट चेंट्री एंड द कॉन्फिगेशन फाइल सो दैट द विंडो कैन कॉन्फ्रिगेशन यर रिकोगनाइज स्पॉट एंड द न्यू हार्डवेयर मतलब पर्टिकुलर हार्डवेयर को अटैच करने के लिए अब ये विंडो क्या करेगी हमें स्टेप्स बता रही है इंस्ट्रक्शन बता रही है कि इसे ये ये चीज़ें हैं ड्राइवर्स हैं ये सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम हार्डवेयर के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं इसको ऐसे रन किया जा सकता है बस आपको जस्ट इस पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा ऐसा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देगा या इंस्टॉल कर देगा जिससे हार्डवेयर जो हमने न्यू अटैच करा वो स्मूथली रन कर सके तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अगर हमने नए हार्डवेयर को अटैच करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेगी प्लग एंड प्ले के लिए एंड नोट के लिए नोट प्लग एंड प्ले के लिए अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइजिस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं देन कमेंट करें